ये है जी बड़ाइच एक्सप्रेस। अस्सलामुअलैकुम, जुम्मा मुबारक। तमाम देखने वालों को जुम्मा मुबारक जी। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? और जी क्या हो रहा है? हमारे लिए भी दुआ करें। और आज मांगल जाना है जी, वहाँ पे माल लेने, कराची से माल आया, तो इंशाल्लाह वहाँ लेने जाएंगे तकरीबन 2 बजे तक इंशाल्लाह। तो बाकी अभी चलते हैं, मार्केट का विज़िट करते हैं इंशाल्लाह, फिर आपको आगे बताएंगे जी। जी नाज़रीन, अभी मैं पहुँचा हूँ मांगल। मांगल से अभी ये थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, बस वाला फ़ोन नहीं उठा रहा, तो जो ही आता है तो आपको बताते हैं। तब तक आप ये नज़ारे देखें। जी नाज़रीन, गाड़ी वाला अभी तक नहीं आया, खाने का टाइम हो गया था, तो अभी खाना खा रहा हूँ। तो चिकन बिरयानी मंगवाई है, साथ एक कबाब की टिक्की मंगवाई है, तो अभी खाते हैं, इन्जॉय करते हैं, मिलते हैं नाज़रीन कुछ देर में। जी नाज़रीन, अभी मैं आया हूँ माल लेने के लिए मांगल इंटरचेंज पे। ये अभी कराची वाली गाड़ी आई है, तो अभी हमारे वाली गाड़ी आनी है थोड़ी देर तक, तो इंशाल्लाह जब वो आएगी तब जो वो फिर आपको नज़ारा करवाएंगे। ये देखें, ये माशाल्लाह मांगल मोटरवे इंटरचेंज। तो नाज़रीन, सुबह का मैं वेट कर रहा हूँ नमाज़ पढ़ के, उसके बाद मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। अभी तक गाड़ी नहीं पहुँची कराची वाली, तो अभी यहाँ पे मोटरवे इंटरचेंज मांगल मैं खड़ा हूँ, तो इंशाल्लाह अभी कुछ ही देर में जो है ना वो गाड़ी पहुँचने लगी है। तो अभी देखते हैं जी, आपको ज़रा ये नज़ारे करवा रहे हैं मांगल मोटरवे बनने के बाद। माशाल्लाह यहाँ पर इंटरचेंज बना है, यहाँ इंटरचेंज बनने से ये लोगों के रोज़गार के मौके ज़्यादा हुए हैं माशाल्लाह। तो होटल भी बने हुए हैं, चाय पानी वाले, और बाकी ज़बरदस्त एरिया है जी। बाकी ट्रैफिक ज़बरदस्त है और बड़ा अच्छा निज़ाम है ट्रैफिक का भी सिलसिला। चले नाज़रीन, अभी मिलते हैं थोड़ी देर तक इंशाल्लाह, आपको थोड़े व्यू करवा दूँ नज़ारे। ये नाज़रीन, यहाँ से पिंडी का भी यहाँ पे अड्डा है, कराची लाहौर मुल्तान कोयटा रावलपिंडी फैसलाबाद सियालकोट डेरा इस्माइल खान उकाड़ा व्याड़ी गुजरांवाला गुजरात, ये गाड़ियाँ यहाँ से जाती हैं माशाल्लाह। बड़ी सहूलत है जी माशाल्लाह इन लोगों के लिए। और बाकी है यहाँ से हर वक्त जो है ना 24 घंटे गाड़ियाँ जाती हैं माशाल्लाह। चले इंशाल्लाह, अल्लाह पाक मज़ीद तरक्कियाँ अता फरमाए जी। मिलते हैं जी थोड़ी देर तक। जी भाईजान, 3 घंटे इंतज़ार के बाद अभी गाड़ी वाले का फ़ोन आया है वड़ाइच वालों का कि आ जाएं जी, आपका माल इंटरचेंज पे ही उतारेंगे, बाहर चौक में नहीं आ रहे। तो कहने का मकसद ये है कि मैं इंतज़ार करता रहा हूँ और वो जो है ना वो नंबर बंद करके, अभी उसका नंबर ऑन हुआ है और साथ ही मुझे कॉल की है, तो कहता है जी आ जाएँ बाहर ही, आपको मोटरवे इंटरचेंज के पास माल दे के हम वापस जाएँगे। ये होता है निज़ाम। अब मुझे, मैं सुबह से इंतज़ार कर रहा हूँ लेकिन इन्होंने बहुत घंटे ज़ाया किए हैं। चलें, अल्लाह पाक उनको हिदायत दे। अब जो है ना वो चलते हैं नाज़रीन माल लेने,
और ये आप साथ साथ नज़ारे भी करें। मोटरवे इंटरचेंज कलंदराबाद मांगल स्टॉप। कमाल के नज़ारे हैं जी, व्यू बहुत प्यारा है माशाल्लाह। ये नाजरीन देख सकते हैं आप, ये है जी हम पहुंच आए हैं और अभी गाड़ी वाला इधर पहुंचने लगा है, बस इंशाल्लाह फिर हम निकलते हैं जी। ये है जी मोटरवे इंटरचेंज, बस अभी जो ही गाड़ी आती है तो इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं वो मनाजिर भी। जी नाजरीन अभी इंतज़ार कर रहे हैं जी गाड़ी वाले का, ये सामने अभी आने वाली है, ये देखें इंटरचेंज मोटरवे पे अभी रुके हैं, सुजुकी लेके आया हूँ मैं, तो अभी आती है तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं थोड़ी देर तक इंशाल्लाह। जी जिसका इंतज़ार था वो आ गए हैं, वो सामने से आ रही है जी वड़ाइच एक्सप्रेस, जिन्होंने आज मुझे 3 से 4 घंटे इंतज़ार करवाया है। तो ये आ रहे हैं जी आज 4 घंटे इंतज़ार करवाने के बाद। ये हैं जी वड़ाइच एक्सप्रेस। अभी माल उतरेगा, चलें चलते हैं और देखते हैं जी माल आ गया जी। तो नाजरीन अभी माल आया है तो अभी ले कर निकला हूँ मैं, इंशाल्लाह कुछ ही देर में दुकान पे पहुँच जाएंगे और फिर शुक्र है अल्लाह का इंतज़ार ख़त्म हुआ और गाड़ी वाला आया है, माल का मसला हल हुआ है। ये आप साथ साथ नज़ारे भी देखें, जीटी रोड शाहराह कराकरम मांगल कलंदराबाद से एबटाबाद की तरफ जाते हुए। ये प्यारे प्यारे नज़ारे हैं माशाल्लाह, ये देखें। जी तो नाजरीन दुकान पे आ चुके हैं, दुकान नंबर 8 पंजाब लंडा मंडिया एबटाबाद। ये गोदड़ी अवेलेबल है हमारे पास और शोल्डर बैग हैं, लैपटॉप बैग हैं, हाइकिंग बैग हैं और ये सफरी बैग हैं और बहुत सारी वैरायटी अवेलेबल है।
आप विज़िट करें, इंशाल्लाह आपको मुनासिब रेट पे चीज़ें मिलेंगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी।